झटका मिला था केलवे टीम को। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर की अगली गेंद, ओवर फिश गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधी चलेगी 6 रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत डाल कृतेश अपनी बॉडी रन पर ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर। कुल मिलाकर स्कोर है 10 रन पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार एक बार फिर फुल डस गेंद और एक बार फिर डीप स्पेयर लग की दिशा में गेंद को खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन दर्शक बन कर रह जाएंगे। बैक टू सिक्सेस। तेजस ने कुल मिलाकर इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी है और 3 रन खर्चे। अगली गेंद एक बार फिर उछल को खेल दिया, हल्की सी पुश कर दिया गेंद को। फिलहाल तीसरा ओवर लेकर आए हैं मिलेन। राइट आर्म राउंड विकेट, ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, खूबसूरती के साथ उस को फाइन लेग की दिशा में खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और पहुंचे तब तक गेंद सीधी चलेगी। सीओ का बटोरा था स्वप्निल भोईर ने, हल्की सी फील्ड में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। राइट आर्म राउंड विकेट, ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, खूबसूरती के साथ उस को मिड विकेट डीप पॉइंट की तरफ खेल दिया। दौड़कर एक रन पूरा कर दिया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहाँ पर स्वप्निल और बहुत ही बढ़िया रन बीट में 26 धावा। इस ओवर कुल मिलाकर 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 6 रन खर्चे। एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, एक बार फिर फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला और 1 रन दौड़कर तब तक। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलर अपनी बॉडी रन पर आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर स्वप्निल के लिए। इस बार गेंद फुल टस गेंद थी, उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया। दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया गया और फिलहाल रोग्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतो गोलंदाज धनित। सामना करेल यावेळी स्वप्निल, यावेळी पहिला चेंडू फुलर लेंथचा चेंडू पाहायला मिळतो, सुरेखरित्या खेळला जातोय लॉंग। पुन्हा एकदा स्वप्निल भोईर, यावेळी पुन्हा एकदा त्याच ब्लॉक खोल क्रिकेट मधील ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हंटल जातं यॉर्कर लेंथ, त्याचा अवलंब केला जातोय। 2 धावा अतिशय सुरेख रित्या घेतल्या जातात, यालाच म्हणतात टॅलेंट, याला म्हणतात रनिंग बिटवीन द विकेट, यालाच म्हणतात। यावेळी मुद्रा पुन्हा एकदा सुरेखरित्या हलकाताने खेळला जातोय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतो एकदा। यावेळेला करण्याचा प्रयत्न, हुकचा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात होता, नो मॅन लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, वन बाउंड क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये फेकी येईपर्यंत एकच धावर समाधे। पुन्हा एकदा गोलंदाज, यावेळेला बॅट अँड पॅडचा परिपूर्ण संपर्क होत नाहीये, एक धाव नवनाथ मात्र पुढे सरसावतोय, तत्पूर्वी 2 धावा अर्जित। यावेळेला बॅकलिफ्टचा उपयोग केला, पुलचा फटका आमच्या मायबाप प्रेक्षकांच्या स्वागतासाठी चेंडू निघून जातोय, एक ब्रँडेड फटका येताना 6 धावा। पुन्हा एकदा गोलंदाज, गोलंदाजी मार्कवर, यावेळेला मात्र हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात, परंतु यावेळेला फसला जातोय, सुरक्षित रक्षण, चांगला बॅकअप मिळाला। ऑन साइडला फ्लिक केला जातोय चेंडू, मिणोच्या क्षेत्रामध्ये मन्या मात्र पुढे सरसावतोय, अॅक्युरेट फेकी करतोय, धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते। सबस्क्राइब्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत जबरदस्त। यावेला ऑन साइडला बॅट अँड पॅडचा परिपूर्ण संपर्क होत असताना आपण पाहतोय डीप मिड विकेट। पुन्हा एकदा गोलंदाज, गोलंदाजी मार्क, राईट आर्म ओवर द विकेट, यावेळेला मात्र स्वप्निल बॅकलिफ्टचा उपयोग करतोय, ऑन साइडला डीप मिड विकेटला सुरेख जजमेंट, अप्रतिम झेल फलंदाज बाद।